बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है सेल थ्योरी। यही सेम टॉपिक हम 9th क्लास में भी पढ़कर आए हैं। तो ये वीडियो हम शॉर्ट बनाने वाले हैं और इसमें सिर्फ हम आपका प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाएंगे। By the middle of 19th century, biologists have formulated cell theory. 19th century के बीच में जो biologists थे उन्होंने ये theory दी थी, और ये जो theory है वो तीन points पर मुश्तमिल है। सबसे पहला point है कि cell is the fundamental unit of structure and function in living things. Cell जो है वो एक basic unit है हमारे body के काम करने का, हमारे body के structure का। जैसे कि आपने यही same point आप प्राइमरी से पढ़कर आ रहे हो कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेकंड पॉइंट है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। सारे जो जानदार हैं वो या तो एक सेल के बने हुए हैं या बहुत ज्यादा सेल्स के बने हुए हैं। याद रहे, वो जानदार जो एक सेल के बने हुए हैं उनको हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं, और वो जानदार जो एक से ज्यादा सेल के बने हुए हैं उनको हम मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। थर्ड पॉइंट है कि सेल राइजेस फ्रॉम अदर सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उनसे दूसरे सेल्स बनते हैं बाय सेल डिवीजन के जरिए। हमारे सेल, हमारे बॉडी के जो पुराने सेल्स हुए वो डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।